वेलकम स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में आज हम वन साइड एरर करेंगे। देखिए वन साइड एरर में क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, परचेज बुक इज अंडर कॉस्ट। देखिए परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, बीआर डेबिट होता है, बीपी क्रेडिट होता है, ठीक है। अब देखिए अंडरकास्ट, अगर ये अंडरकास्ट हो जाते हैं तो डेबिट को डेबिट में, क्रेडिट को क्रेडिट में, सेम वे में लिखना है आपने, ठीक है। और यदि ये ओवरकास्ट हो गए तो रिवर्स कर देना है, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 लेकर चलेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें क्या है, परचेज बुक अंडरकास्ट। देखिए परचेज बुक डेबिट होता है, अंडरकास्ट होगी तो डेबिट में ही लिखना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए केवल परचेज अकाउंट जो है वो गलत हुआ है, क्रेडिट का गलत नहीं हुआ है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। कितनी अमाउंट से हुआ है, 100। फोर रेक्टिफिकेशन, फोर अंडरकास्ट ऑफ परचेज बुक, परचेज अकाउंट, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखेंगे सेल्स बुक ओवरकास्ट। अब देखिए सेल्स बुक क्रेडिट होती है, ओवरकास्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 300। फोर सेल्स बुक ओवरकास्ट रेक्टिफाइड। तीसरा पॉइंट देखेंगे आप, सोल्ड गुड्स टू राम 5000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बट ओमिटेड टू पोस्ट हिज अकाउंट। देखिए राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4500 रुपए, यहां तो आपने लिख दिए, यहां लिखना भूल गए, तो आपने राम के सामने लिखना है राम डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 4500। फोर रेक्टिफिकेशन, फोर ओमिशन इन राम्स अकाउंट। नंबर चार देखेंगे, बोर्ड गुड्स फ्रॉम कमल 2000 रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एंड देन डेबिटेड टू हिज अकाउंट। देखिए आपने गुड्स परचेज किया है कमल से, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमल 2000 रुपए। अब कमल को क्या करना था, क्रेडिट, लेकिन कमल को भी आपने डेबिट कर दिया 2000 से, कमल को क्रेडिट करना था, कमल को भी क्या कर दिया, डेबिट। तो देखिए टू कमल 2000 से क्रेडिट करना है और 2000 जो डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट करेंगे, तो कितना हो गया कमल में 400। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 4000। फोर रेक्टिफिकेशन, फोर रॉन्ग साइड, फोर डेबिटेड द कमल्स अकाउंट, कमल्स के अकाउंट को जो डेबिट कर दिया गया था
उसको आपने रेक्टिफाई किया है। 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में सेल्स बुक ओवरकास्ट, देखिए दोबारा आ गया सेल्स बुक ओवरकास्ट है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1000 फॉर सेल्स बुक ओवरकास्ट रेक्टिफाइड। दूसरा है परचेज बुक अंडरकास्ट, ये भी रिपीट हो रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 200 फॉर परचेज बुक अंडरकास्ट रेक्टिफाइड। सोल्ड गुड्स टू अमर, देखिए अमर को माल बेचा है तो अमर डेबिट टू सेल्स 600। अब अमर को डेबिट करना था लेकिन हमने क्या किया, अमर को क्रेडिट कर दिया, इसमें लिखा हुआ है अमर को क्रेडिट कर दिया, तो एक बार अमर को डेबिट करना है, एक बार जो क्रेडिट किया है उसको डेबिट करेंगे तो डबल हो जाएगा, अमर डेबिट 1200 टू सस्पेंस अकाउंट 1200 फॉर रेक्टिफिकेशन फॉर क्रेडिटेड अमर्स अकाउंट। नंबर 4 पे देखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 500, मोहन को नहीं लिखा आपने और मोहन को डेबिट कर दिया आपने 500 से, तो मोहन क्रेडिट होना था, इसको क्रेडिट करेंगे तो टू मोहन 1000 सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000 फॉर रेक्टिफिकेशन फॉर डेबिटेड मोहन्स अकाउंट। इसके बाद नंबर 5 पे देखेंगे गुड्स रिटर्न टू सुमित रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक ओमिटेड टू पोस्ट इज अकाउंट, उसके अकाउंट में लिखना भूल गए, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू सुमित, सुमित को माल वापस किया है तो ठीक है, तो परचेज रिटर्न आएगा, परचेज रिटर्न डेबिट करना था आपने 400 से टू सुमित, यहां लिखना बोल गए तो हम क्या करेंगे, टू सुमित सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुमित 400 रुपए फॉर रेक्टिफिकेशन फॉर ओमिशन इन सुमित्स अकाउंट 6 डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज 150 फ्रॉम कमल हैज बीन डेबिटेड टू हिम एज 510। देखिए कमल से डिस्काउंट रिसीव हुआ है, कमल डेबिट टू डिस्काउंट, जब डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो क्रेडिट में आता है डिस्काउंट, कमल हैज बीन डेबिटेड, कमल को डेबिट कर दिया 510 रुपए से, तो देखो इसमें 360 रुपए ज्यादा डेबिट कर दिए, तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमल, क्रेडिट कर देंगे 360 रुपए से कमल को फॉर रेक्टिफिकेशन फॉर पोस्टेड मोर अमाउंट इन कमल